कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रबंधन को लेकर जिला टास्क फोर्स को लेकर बैठक हो रही और इस बैठक में डीसी, एसडीएम और सिविल सर्जन मौजूद हैं। डीसी ने कई बिंदु पर चर्चा की, निजी और सरकारी लैब के कर्मियों को डेटा तैयार करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट मिलने के बाद एनएचएम को जानकारी दी जाएगी। 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट और डेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट और डेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रबंधन को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक है, लगातार इसे लेकर तैयारियां हो रही है, एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, जिससे उम्मीदें भी बढ़ जा रही हैं कि जल्द ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन लोगों को मिलने लगेंगे। इसके लिए कई बार निर्देश भी आया है केंद्र से कि किस तरह लैब मेंटेन रखना होगा, कहां कहां लैब है, कितनी तैयारियां हैं। राज्यों को ये निर्देश भी दिया गया था कि रिपोर्ट उसकी दीजिए। और इस बीच अब इसके प्रबंधन को लेकर जिला टास्क फोर्स की भी बैठक है। बैठक में डीसी, एसडीएम और सिविल सर्जन भी मौजूद रहेंगे ताकि अगर वैक्सीन आती है तो किस तरह उसे स्टोर करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और उसकी उसे किन किन लोगों को पहले देना है, कैसे इस वैक्सीन को दिया जाएगा, तमाम बिंदुओं पर ये बैठक की जा रही है। निजी और सरकारी लैब के कर्मियों को डेटा तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। इमरान, वैक्सीन को लेकर केंद्र से भी इससे पहले कई बार निर्देश आए हैं कि क्या स्टोरेज की व्यवस्था है, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था क्या है, इसकी रिपोर्ट देने को आज इसे लेकर बैठक भी है, तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि वैक्सीन के लिए तैयारियां मुकम्मल हो रही, जल्द ही वैक्सीन भी बाजार में आएगा? देखिए, बिल्कुल ऐसे है। जिस तरह से जिला प्रशासन हो या फिर राज्य सरकार हो, अलग अलग जिलों में वैक्सीन को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। आज रांची डीसी की अध्यक्षता में वैक्सीन प्रबंधन समिति के जो टास्क फोर्स है, इनकी आज यहां पर बैठक हुई। बैठक में डीसी रांची ने जो निजी लैब और सरकारी लैब के जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं, जो फ्रंट लाइनर हैं, जो कि लगातार कोरोना में वो सामने से रह करके काम कर रहे हैं, इनकी डेटाबेस को पूरा करने का निर्देश दिया है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि वैक्सीन जब भी आए, 1-2 महीने या फिर 15 दिनों में जब भी अगर उपलब्ध होते हैं, तो जो पहला डोज है वैक्सीन का वो इन्हीं फ्रंट लाइनर जो स्वास्थ्य कर्मी है, ये इनको दी जाएगी। इसके बाद दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। तो एक तो इस पर चर्चा की गई, इस पे 2 से 3 दिनों पर डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा गया। दूसरा कि वैक्सीनेशन अगर जिला राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचती है तो उसे रख रखाव के लिए जो कोल्ड स्टोरेज है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीजें की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ जरूरतें हैं जिनको वैक्सीन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है, तो इन सारी चीजों पर भी पूरे मामलों पर चर्चा की गई। और डीसी ने पूरे मामले पर साफ कहा है कि 2 से 3 दिनों की ये सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि डेटाबेस पे कितने स्वास्थ्यकर्मी जो कि मेडिकल लैब या टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हैं, वैक्सीनेशन के लेकर के जो कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, प्रखंडों में क्या कुछ स्थिति है, इन सारी चीजों को स्पष्ट करने के लिए 2 से 3 दिनों का वक्त दिया गया है। आज इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मौजूद रहे, चाहे वो डीसी हो, सिविल सर्जन हो, एसडीएम हो, स्वास्थ्य विभाग के दूसरे पदाधिकारी, तमाम लोगों ने इस बात को माना है और कहा है कि 2 से 3 दिनों में सारे डेटा जो है वो तैयार कर लिया जाएगा, जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी जाएगी। इमरान, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अगली खबर पर भी अपडेट लेंगे। तो फिलहाल इस बैठक में कई तरह के निर्देश दिए गए हैं और कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर ही कई तरह के निर्देश हैं। इसके स्टोरेज पर बातचीत हुई है, किसे पहले लगाया जाएगा जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और किस तरह इसके रखरखाव होंगे, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है। तमाम जिलों से डेटा भी मंगाया गया है।